Hello dear friends, welcome to my channel Cooking and Smart Tips. दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग खाना खाने के बाद या कुछ पीने के बाद एसिडिटी की समस्या से परेशान हो जाते हैं. एक्चुअली हम लोग रोज ही कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसका नेचर क्या है. मीन्स हम जो खा रहे हैं या पी रहे हैं वो एसिडिक है या एल्कलाइन. कोई भी खाने या पीने वाली वस्तु कितना एसिडिक या एल्कलाइन है यह चेक करने के लिए एक इंडेक्स का यूज करते हैं, जिसे पीएच इंडेक्स कहते हैं. यह 1 से 14 भागों में बटा होता है. इसमें सेवन पॉइंट न्यूट्रल होता है, यानी ना एसिडिक ना एल्कलाइन. 7 से 1 की ओर बढ़ने पर एसिडिटी बढ़ती जाती है और 7 से 14 की ओर बढ़ने पर अल्कलाइन बढ़ती जाती है. सामान्यतः हमारे शरीर की पीएच लेवल 7.35 से 7.45 होती है, यानी कि न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन. लेकिन दोस्तों, हम जाने अनजाने ऐसी चीज़ों का सेवन करते रहते हैं जो कि एसिडिक होते हैं, जिससे हमारा शरीर न्यूट्रल से एसिडिक नेचर का हो जाता है और इसी वजह से हमें कई बीमारियां, साइड इफ़ेक्ट्स, उदास मन, चिड़चिड़ापन, कच्ची डकार इत्यादि प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं फ्रेंड्स. फर्स्ट है कि एसिडिक नेचर वाली चीज़ों को ना खाएं. सेकंड, अपने बॉडी को एसिडिक नेचर से न्यूट्रल नेचर किया जाए, जो कि हमारे बॉडी का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है. फ्रेंड्स, अगर हम पहले तरीके की बात करें, यानी कि सारे एसिडिक नेचर वाली चीज़ें ना खाएं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर में एसिडिक हैं, लेकिन इनका सेवन करने से हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा होता है. ऐसी कुछ चीज़ें हैं आंवला, नींबू, संतरा इत्यादि. तो अब दूसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं कि अपने बॉडी को एसिडिक से न्यूट्रल की ओर कैसे शिफ्ट करें. इसके लिए सिंपल तरीका यह है कि हमें अल्कलाइन नेचर वाली चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए, जिससे कि बैलेंस बना रहे. हमें अपना दिन भर का खान पान इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए जिससे हमारा बॉडी का पीएच इंडेक्स 7 to 8 के बीच बना रहे. दोस्तों, हमें साधारण वाटर की जगह अल्कलाइन वाटर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी का एसिडिक नेचर न्यूट्रल या अल्कलाइन की ओर बढ़े. अल्कलाइन वाटर बनाने का नेचुरल तरीका यह है कि एक जग में साफ पीने वाला पानी लें, उसमें एक नींबू के 4 टुकड़े करके डाल दें, एक खीरे की 4 पतली पतली स्लाइसेस करके डाल दें. नींबू को निचोड़ना नहीं है फ्रेंड्स. अब इस वाटर को 7 to 8 आवर्स के लिए रख दें, उसके बाद इसे यूज कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं और आपको ये सब झंझट लगता है, तो मार्केट में कई अल्कलाइन वाटर बॉटल आते हैं, जिससे आप बिल्कुल आसानी से अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं. मैंने एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है अल्कलाइन वाटर बॉटल पर, आप ज़रूर देखें. अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या खाने पीने वाली चीज़ें एसिडिक नेचर की हैं और क्या क्या अल्कलाइन नेचर की हैं. एसिडिक चीज़ों को बता देती हूँ मैं. इसमें आते हैं अनाज, ग्रेन्स, फिश, प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड, मीट्स, सोडास, सॉफ्ट ड्रिंक, एल्कोहल, लेमन जूस, पोमोग्रेनेट, ऑरेंज, टोमेटोज एट्सेट्रा. तरीके से फ्रेंड अल्कलाइन चीज़ों को जान लेते हैं. इसमें आते हैं पत्तेदार सब्जियां, सेब, केला, खजूर, आम, किशमिश, अनानास, पपीता, वाटरमेलन, कोकोनट, चेरी, स्ट्रॉबेरी, पम्प इत्यादि. फ्रेंड्स, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, ये सबका पीएच वैल्यू 7 या 7 से कम है, फिर भी इन्हें एसिडिक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बॉडी में कोई एसिड फॉर्म नहीं करते हैं. सो फ्रेंड, अंत में एक बार ब्रीफली जान लेते हैं, एसिडिक नेचर वाले फूड्स को अवॉइड करें या लिमिटेड मात्रा में ही लें. अल्कलाइन वाटर पिएं, हरे पत्ते वाली सब्जी खाएं, मौसमी फलों और सब्जियों को प्राथमिकता दें. अगर किसी दिन ज़्यादा एसिडिक खाना खा लिया तो उसे न्यूट्रल करने के लिए अल्कलाइन नेचर वाले फूड को खाएं. और फ्रेंड्स, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, इससे हमारे शरीर से जो टॉक्सिन है, एसिड है, पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं. दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.